सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी को फटकार लगाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो गिरफ्तारियों को कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं कर सकती, उसे उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ में काम करना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह M3M के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बंसल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की उस आदेश के खिलाफ में अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया था।